एक्सरसाइज 7.4 हम हल करने लगे हैं। इसके लिए फार्मूले आपको आने चाहिए, वो आपने पहले याद कर लेने हैं, फिर इन सवालों पे आ जाना। क्वेश्चन वन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसने कहा कि इसको सिंगल बनाना है सवाल के अंदर ना, तो अब इसमें यह है कि फार्मूले यूज़ होने हैं वो आपको आने चाहिए। अब जो जो यूज़ होते हैं मैं लिखता जाऊँगा। अब जो साइन ओवर कॉस है, साइन एक्स ओवर, तो ये बराबर होता है टैन के, ठीक है। और अगर ये उल्टा होता, यानी कॉस ऊपर होता, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, तो ये कॉट के बराबर भी होता है, ठीक है। तो साइन ओवर एक्स क्या होता है, टेन, और ये जो ऊपर स्केयर है वो स्केयर वैसे ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, सिंगल सिंगल बन गया, ठीक है। एमसीक्यूज में यानी ये सवाल आ सकता है, लॉन्ग के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर टू देखूं, क्वेश्चन नंबर टू है टेन एक्स साइन एक्स सीकेंट एक्स। अब अभी हमने पढ़ा जो टेन है वो है साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और ये साइन एक्स वैसे ही आ गया। अब ये दिया हुआ है सीकेंट एक्स, अगर हो कॉस एक्स तो वो बराबर होता है वन ओवर सीकेंट एक्स, और अगर हो सीकेंट एक्स तो वो बराबर होता है वन ओवर कॉस एक्स। तो यहाँ सीकेंट, ये सीकेंट दिया गया है तो सीकेंट बराबर होगा वन ओवर कॉस के, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ वन ओवर कॉस एक्स। तो साइन और साइन ऊपर हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसे ही रहने दो। ये साइन ओवर एक्स क्या हो गया, टेन एक्स, और ये भी साइन ओवर एक्स क्या हो गया, टेन एक्स, टेन और टेन, टेन का स्क्वायर एक्स, ये भी क्या हो गया, सिंगल फॉर्म में आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी तक ये फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, साइन ओवर कॉस टेन होता है कॉस ओवर साइन कॉट, कॉस वन ओवर सीकेंड और सीकेंड वन ओवर कॉस। क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है टेन एक्स ओवर सीकेंट एक्स। अब टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ठीक है, पीछे हमने बंद किया ना, तो टेन ऐसे भी हो सकता है ना साइन ओवर कॉस के। तो ये जो सीकेंट है ये बटे में है, बटे में सीकेंट हो तो वो कॉस एक्स के बराबर होता है। असल में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, टेन एक्स मल्टीप्लाई वन ओवर सीकेंट एक्स, मतलब तो यही है ना। तो अब ये वन ओवर सीकेंट ये अभी हमने पढ़ा है, ये कॉस एक्स होता है, तो कॉस कॉस है, तो बाकी बचेगा साइन, जो कि सिंगल फॉर्म में आ गया क्योंकि हमने सिंगल फॉर्म में करना है ना इनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये एक ग्रुप हो गया, ये भी एक ग्रुप हो गया। एक और देख लें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है वन के इक्वल। अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर इधर रहने दूँ और कॉस को उधर ले जाऊँ तो ये उधर जाके ऐसे माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये असल में साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें ना, जो वन है वो बराबर है साइन स्क्वायर एक्स जमा कॉस स्क्वायर के, तो मैं वन की जगह रख देखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स जमा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दें, ये इससे काट दें तो बाकी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़
के लिए इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में आने के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन। तो अब इसके लिए भी फार्मूला हमारे पास, सीकेंट स्केयर एक्स बराबर होता है वन प्लस टेन स्केयर एक्स, ठीक है। अब ये जनरल आइडेंटिटीज आपको पहले याद करनी पड़ेंगी ये मशक करने से पहले, ठीक है। तो सीकेंट की जगह मैं क्या रख देता हूँ, वन प्लस टेन स्केयर एक्स माइनस वन। वैसे अब ये माइनस वन इस प्लस वन से कट जाएगा, बाकी मेरे पास सिंगल आ जाएगा टेन स्केयर एक्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, ये आ गए एक जगह पे, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे है 6 वाला, साइन स्केयर इंटू कॉट स्केयर एक्स। तो ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि जो कॉट होता है वो कॉज ओवर साइन होता है। तो साइन स्केयर एक्स, इस कॉट की जगह मैं क्या रख देता हूँ, कॉज ओवर साइन, ऊपर स्केयर जो है वो वैसे ही आ जाएंगे। अब ये साइन स्केयर से ख़त्म, तो बाकी मेरे पास आ जाएगा कॉज ऑफ स्केयर एक्स, ठीक है। कॉट होता है कॉज ओवर साइन, स्केयर वैसे ही आ जाएंगे, और ये साइन स्केयर इस साइन स्केयर से कट गया और मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद 7 वाला है, ये वेरीफाई अब करनी है, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉज ऑफ स्केयर थीटा। अब ये बेटा आइडेंटिटी है जनरल, आप पढ़ के 6, 7, 8 में भी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो बराबर होती है ए स्केयर माइनस, इस पे यही लगाएंगे फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का, तो वन का स्केयर वन इंटू साइन स्केयर थीटा। अब ये देखें, ये फार्मूला मैंने बताया, साइन स्केयर जमा कॉस स्केयर वन होता है, अगर साइन स्केयर निकालूँ तो ये होता है वन माइनस कॉस स्केयर। अगर इसी में दोबारा आए कॉस, अब इधर रखूँ तो ये बनेगा वन माइनस साइन स्केयर एक्स, यानी वन माइनस साइन स्केयर किसके बराबर होता है, कॉस स्केयर के। तो वन माइनस साइन स्केयर की जगह मैं क्या रख देता हूँ, कॉस स्केयर, वहाँ एक्स है यहाँ थीटा है, ये परेशान नहीं होना, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। यहाँ पहले जनरल आइडेंटिटी हमने लगा दी, ये साथ साथ लिख दें ऐसे। तो पहले फार्मूला लग गया, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का, वन माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर होता है, ठीक है। आगे आ गया 8वां क्वेश्चन, 8वां जो है साइन थीटा जमा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू वन जमा टेन थीटा। देखो इसको दोनों तरफ से हल कर सकते हैं, जिस तरफ से मर्जी कर लो। ये देखो टेन होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हम पढ़ के हैं ना। अब इसका देसी एलसीएम कर लो, नीचे आएगा कॉस, ये कॉस इधर और ये साइन वैसे का। अब ये जमा में हम आगे पीछे कर सकते हैं, साइन वाली पहले लिख लेते हैं और कॉस वाली बाद में लिख लेते हैं, नीचे पहले कॉस है तो इधर भी यही है, ठीक है। तो ये बस प्रूफ करना है हमने, कॉस थीटा बटा बस यहाँ हमने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड। इस तरफ से भी हल कर सकते हो, दोनों तरफ से हल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इस तरफ से इसको कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 अगले पेज पे ले जाते हैं।
टेन थीटा जमा कॉट थीटा, साथ पी टेन थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा की जगह आ गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा हम पढ़ के हैं, और कॉट की जगह आ गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसी तरह इस टेन की जगह भी मैं क्या लिख लेता हूँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसको हम प्रूव कर लेंगे, इसको वैसे लिखते जाते हैं। ठीक है, अब मैं अंदर कर लेता हूँ देसी एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देसी में दोनों नीचे, ये वाली इधर तरफ होगी तो साइन का साइन स्केयर, ये उधर जाएगी तो कॉस और कॉस कॉस का स्केयर, ये आ गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये साइन इस साइन से कैंसिल, और ये साइन स्केयर जमा कॉस स्केयर वन होता है, नीचे बचा कॉस, ये भी काट गया, ऊपर बचा वन और नीचे कॉस, ऊपर वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, नीचे कॉस को कॉस से करेंगे, या फिर ऐसे कर लें वन ओवर कॉस होता है सिकेंड थीटा, ये भी वन ओवर कॉस है, ये भी सिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा सिकेंड थीटा सिकेंड थीटा का स्केयर, बराबर भी क्या है सिकेंड स्केयर थीटा। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे सबके साथ आप। ओके जी, यहाँ भी साइन ओवर कॉस, कॉस ओवर साइन, देसी एलसीएम ये दोनों नीचे, ये उधर, ये वन होता है, साइन साइन से कैंसिल, कॉस वन ओवर कॉस सेकंड, वन ओवर कॉस सेकंड, सेकंड 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 का स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर टेन, कॉट थीटा जमा कॉस सेकंड थीटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा, सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे मर्जी कर लें, कॉट होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कोसेकेंड जो है वो होता है वन ओवर साइन थीटा। ठीक है, ये भी लिख लें साथ, अब ये एक और पेयर आ गया कि अगर साइन थीटा हो तो वो होता है वन ओवर कोसेकेंड थीटा, और अगर हो कोसेकेंड थीटा तो वो होता है वन ओवर साइन थीटा। ठीक है, थीटा की जगह एक्स लिख लो, थीटा लिख लो, इसका कोई इशू नहीं इतना। ठीक है, इसको लेके परेशान नहीं होना आपने। टेन होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये आ गया ऐसे ही साइन थीटा, यहाँ आएगा सेम एलसीएम क्योंकि नीचे वाली सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा, साइन कॉस थीटा प्लस वन, सेम एलसीएम है ना, नीचे वाली एक दफ़ा आएगी और ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे कॉस थीटा प्लस वन। यहाँ देसी एलसीएम कर लें, कॉस थीटा ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा, माइनस इसको उधर करें तो साइन थीटा कॉस थीटा, देसी एलसीएम, नीचे वाली नीचे, ये उधर ज़रब होगी और ये उधर ज़रब होगी, तो ऊपर आ गया वन प्लस कॉस थीटा, इन दोनों में से मैंने क्या किया साइन कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बचेगा यहाँ वन माइनस, यहाँ बचेगा कॉस थीटा। अब यहाँ नीचे क्या है कॉस थीटा, और यहाँ नीचे क्या है साइन थीटा, इस साइन को इस साइन से काट देंगे, बाकी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये फार्मूला लगेगा ये वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है जो ब्रैकेट के अंदर है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, ये कट गया नीचे आ गया कॉस थीटा, तो वन का स्केयर वन होता है और ये कॉस का स्केयर थीटा बटा कॉस थीटा, वन के नीचे भी कॉस थीटा लगा लें और कॉस के नीचे भी कॉस लगा लें,
वन ओवर कॉस जो है वो सीकेंट होता है, एक कॉस कॉस से काटेंगे तो बाकी बचा कॉस थीटा। ठीक है, फिर देखें, कॉस होता है कॉस ओवर साइन, को सीकेंट वन ओवर साइन, टेन साइन ओवर कॉस और ये साइन, सेम एलसीएम। नीचे एक दफ़ा लिखेंगे ये उधर चली गई और ये उधर चली गई, ये एक दफ़ा लिखेंगे ये इधर ये इधर, यहाँ देसी एलसीएम। साइन कॉमन लेंगे, यहाँ वन रह गया यहाँ कॉस रह गया, साइन साइन से कैंसिल, ऊपर ये फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर, नीचे ये कट गया तो ये कॉस रह गया, वन का स्केयर वन ही होता है, ये कॉस स्केयर, इसको इसके नीचे लैदा इसके नीचे लैदा, ये वन ओवर कॉस सेकेंड होता है, कॉस कॉस से काटोगे तो हल ये कॉस आ जाए। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। तो अब देखो, कोई एक सवाल है उसको हम कितने ही मेथड्स के ज़रिए क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा जमा कॉस थीटा, यहाँ मैं देसी एलसीएम, नीचे टैन है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा, स्केयर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देसी एलसीएम कर लेते हैं, नीचे इसके नीचे वन लगा लो, कॉस स्केयर थीटा, नीचे वाली नीचे, ये वन इधर तरफ होगा तो साइन स्केयर थीटा, माइनस ये इधर तरफ होगी तो कॉस स्केयर थीटा, ये ऐसे ही आपने नीचे लिखते जानी, इसका मतलब होता है ये ऐसे नीचे आ जाएगी। इसको मैं घुमा के ऊपर ले जाता हूँ, वन टू थ्री जो तीसरे बटे वाली होती है वो पहले के साथ आ जाती है, कॉस स्केयर थीटा, बाकी बचा अंदर साइन थीटा जमा कॉस थीटा। अब नीचे ये दोनों रकमें स्केयर हैं और माइनस भी है, तो मैं इनको एक दफ़ा जमा में लिख सकता हूँ और एक दफ़ा माइनस में, यानी साइन थीटा जमा कॉस थीटा एक दफ़ा, और एक दफ़ा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, बाकी ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्केयर थीटा, और नीचे बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बराबर भी क्या है, कॉस स्केयर थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बराबर ऐसे आ जाएंगी रकमें। ठीक है, टेन की जगह मैंने साइन ओवर कॉस रखा, ये पहले सवाल में भी ये फार्मूला यूज़ हुआ था, ऊपर स्केयर था तो स्केयर वैसे आ गए, फिर देसी एलसीएम नीचे किया, वन टू थ्री तीसरे बटे वाली पहले के साथ आ जाती है, और ये दोनों स्केयर है, माइनस भी था, एक दफ़ा जमा एक दफ़ा माइनस, जमा वाली इससे कैंसिल होगी तो ये जवाब आ गया, बाकी ये साइड ऐसे लिखते जाने साथ साथ। ठीक है, जो इस तरह वाली है वो आपने ऐसे ही साथ साथ लिखते जानी है। तो आगे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉस स्केयर थीटा बटा साइन थीटा जमा साइन थीटा इक्वल टू कॉस सेकेंट थीटा, देसी एलसीएम करने लगे, नीचे आएगा साइन थीटा, वन इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्केयर थीटा ही आएगा, ये साइन इधर जाएगा तो साइन 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 का, देसी एलसीएम के तीन स्टेप होते हैं ना, नीचे वाली नीचे, पहले ये इधर ज़रब करनी है फिर ये इधर ज़रब करनी है, ये वैसे आ जाएगा इधर। अब ये साइन स्केयर जमा कॉस स्केयर वन होता है, इधर है कॉस सेकेंट थीटा, तो वन ओवर साइन जो है वो बराबर होता है कॉस सेकेंट, तो दोनों साइडें क्या आ गई, बराबर आ गई, तो आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया जी,
देसी एलसीएम सेम था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन होता है, तो इस तरह हमने क्या किया अपना सवाल हल कर लिया। बारह हो गए। तेरहवां सिकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा और साइन थीटा। अब जो सिकेंट है इसको मैं लिखता हूँ वन ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। देसी एलसीएम नीचे वाली नीचे, ये इधर वन से वन, कॉस और कॉस, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। इधर ये वैसे ही आता जाएगा टेन और साइन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि जो वन है वन की जगह मैं रख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, या डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ओवर कॉस थीटा। इधर वैसे आ जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर काट जाएंगे, बाकी बचा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ दो दफ़ा लिख लेता हूँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन ओवर कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है, तो दूसरा जवाब भी यही है टेन थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इतना चलता है थोड़ा बहुत आगे पीछे। ठीक है, सीकेंट को क्या बनाया वन ओवर कॉस, देसी एलसीएम किया नीचे वाली नीचे, ये इधर ज़रब होगी पहले ये फिर उधर, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, इस तरह भी कर सकते हैं कि वन की जगह साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर रखा, या आपस में कैंसिल, तो ये बचा साइन, मैंने इसको दो दफ़ा लिख लिया, ये साइन ओवर कॉस टेन होता है और ये साइन, वैसे ये हमारा जवाब है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आगे अब देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 14 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा जमा कॉस थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा। देसी एलसीएम करेंगे नीचे वाली नीचे, वन उधर उधर होगा कुछ भी नहीं होगा, कॉस और कॉस, कॉस का स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है बटा कॉस थीटा, वन ओवर कॉस होता है सीकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। देसी एलसीएम नीचे वाली नीचे, ये वन उधर तरफ हुआ कॉस उधर कॉस से कॉस स्क्वायर हो गया, ये वन होता है वन ओवर कॉस सीकेंट बन गया। क्वेश्चन नंबर 15, टेन थीटा जमा कॉट थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। तो टेन जो होता है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस, अब ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और कॉट क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा टेन का उल्ट, ये ऐसे लिखते जाएंगे क्योंकि ये जवाब होता है। देसी एलसीएम नीचे वाली नीचे, ये उधर जाएगी साइन और साइन, साइन का स्क्वायर हो गया, ये उधर जाएगी कॉस और कॉस, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे ही साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर वन होता है बटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब एक बटा कॉस जो होता है वो होता है सेकेंड थीटा, और एक बटा साइन जो होता है वो होता है कॉस सेकेंड थीटा, बराबर क्या है यही है सेकेंड थीटा और कॉस सेकेंड थीटा,
तो यहाँ आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ठीक है। देसी एलसीएम नीचे वाली नीचे, ये उधर तरफ ये उधर तरफ, साइन स्केयर कॉस स्केयर वन होता है, और वन ओवर कॉस सिकेंड और वन ओवर साइन को सिकेंड। अब ये फार्मूले आपको आते होंगे, फिर ही आप ये सवाल कर सकेंगे, ठीक है। सोलवा, टेन थीटा जमा कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बराबर क्या है सिकेंड थीटा जमा कोसेकेंड थीटा। टेन को मैं कर देता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट को बना देता हूँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा और इसको वैसे लिख देते हैं कॉस थीटा जमा साइन थीटा। अब यहाँ ये देसी एलसीएम कर लेते हैं कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये इधर तरफ होगा तो साइन का स्केयर थीटा बन जाएगा और ये इधर तरफ होगा तो कॉस का स्केयर थीटा बन गया, तो ये आ गया कॉस थीटा जमा साइन थीटा। ये ऐसे बराबर का मतलब ये ऐसे आ जाएगी, साइन स्केयर कॉस स्केयर होता है वन और इधर मैंने क्या किया ये जो है ना इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर दो और इसके नीचे भी डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस या ज़रब कर लो मतलब एक ही बनता है, इसका हो गया वन और जो नीचे था इसको इसके नीचे भी लिख दें और इसके नीचे भी लिख दें, कॉस कॉस से कटेगा तो बाकी बचेगा वन ओवर साइन, साइन साइन से कटेगा बाकी बचेगा वन ओवर कॉस और जो इधर है वो वैसे ही आता जाएगा। तो वन ओवर साइन जो है वो होता है कोसेकेंट थीटा और जो वन ओवर कॉस है वो होता है सिकेंट थीटा, बराबर भी यही है सिकेंट थीटा जमा प्लस में रकम आगे पीछे हो तो वही मतलब होता है, ठीक है। तो ये दोनों का जवाब आ गया हमारे पास, कोई इतने मुश्किल नहीं है। अगर फार्मूले आते हों टेन होता है साइन ओवर कॉस कॉट होता है कॉस ओवर साइन, देसी एलसीएम करेंगे नीचे वाली पहले नीचे फिर ये इधर मल्टीप्लाई साइन और साइन साइन स्केयर ये इधर मल्टीप्लाई कॉस और कॉस कॉस स्केयर ये होता है वन, इसको मैंने इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया और इसके नीचे भी कॉस कॉस से कटा साइन साइन से कटा, ये बचा वन ओवर साइन और ये वन ओवर कॉस, वन ओवर साइन कॉस सिकेंट होता है और वन ओवर कॉस सिकेंट होता है, रकम आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये दोनों आगे बराबर नीचे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो कितने हो गए सवाल, वही हो गए। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 16, आगे है 17। साइन थीटा टेन थीटा जमा कॉट थीटा इक्वल टू सिकेंट थीटा, तो साइन थीटा अंदर मैं टेन की जगह क्या कर देता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट की जगह कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू यही आएगा। देसी एलसीएम नीचे वाली नीचे, ये उधर मल्टीप्लाई तो ये हो गया साइन स्केयर, ये उधर मल्टीप्लाई तो क्या हो गया कॉस के इक्वल टू सिकेंड थीटा, एक साइन इससे काट देंगे और ये साइन स्केयर कॉस स्केयर वन हो गया, नीचे बचा कॉस थीटा, वन ओवर कॉस जो होता है वो होता है सिकेंड थीटा और इधर भी क्या है सिकेंड थीटा, ठीक है। टेन होता है साइन ओवर कॉस कॉट होता है कॉस ओवर साइन, देसी एलसीएम नीचे वाली नीचे, ये उधर तरफ करेंगे साइन स्केयर ये उधर करेंगे कॉस स्केयर, साइन स्केयर कॉस स्केयर वन होता है, ये साइन इस साइन से काट जाएगा, वन ओवर कॉस सिकेंड होता है और बराबर भी क्या है हमारे सिकेंड ही है, ठीक है। तो ये हो गया 17 तक, आगे है 18। 18 है वन प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और ये है साइन थीटा वन प्लस
कॉस थीटा इक्वल टू टू कॉस सीकेंट थीटा। यहाँ मैं करूँगा देसी एलसीएम, साइन थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, ये नीचे। अब ये इधर तरफ होगी तो ये बिल्कुल सेम है, सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये इधर तरफ होगी तो साइन और साइन साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू कोसेकेंड थीटा। अब ये फार्मूला खोल दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस दो ए बी, ये ए प्लस बी की दो वाला फार्मूला, प्लस साइन का स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा और वन प्लस कॉस थीटा। ए की दो जमा बी की दो जमा दो ए बी, ठीक है, और ये इधर आ गया। अब ये वन का स्केयर वन ही होता है, ये कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर ये भी वन होता है, प्लस टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस वन टू प्लस टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, ऊपर से टू कॉमन ले रहे हैं, बाकी बचेगा वन प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, इसको काट दें, बाकी बचा टू और नीचे बटे में साइन हो तो वो बन जाता है कोसेकेंट थीटा, बराबर भी क्या है टू कोसेकेंट थीटा। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देसी एलसीएम करना है, नीचे वाली नीचे, ये उधर ये उधर, सेम हो तो होल स्केयर हो गया, ये भी सेम है स्केयर हो गया, ये प्लस बी के दो वाला फार्मूला खोल दें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ये वैसे आ गया, ये वन का स्केयर वन, साइन स्केयर जमा कॉस स्केयर वन होता है, और ये टू कॉस थीटा, वन प्लस वन टू, टू में से कॉमन लिया हमने टू, तो यहाँ कॉमन वन, यहाँ कॉस थीटा, तो ये काटेंगे टू ओवर साइन टू, साइन बटे में हो तो कोसेकेंड बन जाता है, यही हमारा आंसर है दूसरी तरफ। तो ये था जी 18 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 18 के बाद है जी अब 19। नाइनटीन है वन ओवर वन माइनस कॉस थीटा और वन ओवर वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। देसी एलसीएम नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर, ये वाली उधर, वन प्लस कॉस, ये वाली इधर आ गई और ये वाली इधर आ गई, जो लाम दरमियान में होती है ना वो इधर लगानी होती है, ये ऐसी आ जाएगी, कॉस और कॉस कट गया, ऊपर वन प्लस वन टू आ गया, नीचे फार्मूला लग जाएगा वही ए प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल सेम है ना, तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर टू, नीचे आ गया वन माइनस कॉस स्केयर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्केयर होता है साइन स्केयर थीटा, अब नीचे साइन हो तो वो क्या बन जाता है कोसेकेंट थीटा, ऊपर स्केयर हो तो स्केयर वैसे आ जाएगा, और दूसरी तरफ भी यही है हमारा। देसी एलसीएम ये नीचे, ये वाली उधर, फिर ये वाली उधर, कॉस और कॉस कट गया, वन और वन टू, नीचे फार्मूला लग गया, ठीक है, ये वाला ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्केयर माइनस, ठीक है, तो वन माइनस कॉस स्केयर ये साइन स्केयर होता है, और ये जो बटे में साइन हो तो वो कोसेकेंट होता है, स्केयर ऊपर वैसे ही आ जाएगा, यही हमारा आंसर है दूसरी तरफ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। 19 के बाद हमारे पास है 20। वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू फोर टेन थीटा तो सेकेंड थीटा।
देसी एलसीएम, नीचे वाली नीचे, नीचे वाली ये उधर और ये उधर, तो ये चूंकि सेम हो जाएगी तो होल स्क्वायर हो गया, ये इधर जाने से ये भी सेम होगी तो ये भी होल स्क्वायर हो गया, इंटू फोर टेन थीटा और सेकंड थीटा। अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की दो वाले फार्मूले हैं, खोल देते हैं। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा दो ए बी, इसी तरह ये भी खोल दें, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, माइनस हो तो माइनस दो ए और बी, और नीचे जो है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। वन का स्क्वायर वन ही होता है, ये भी साइन स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर, तो दो साइन स्क्वायर इंटू दो साइन थीटा, और ये माइनस दो साइन थीटा, ये और ये कट जाएंगे, नीचे आ गया वन माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, ये भी वन ये भी वन, ये टू हो जाएंगे ऐसे, ये आपस में कट गए, इन दोनों में से मैंने दो कॉमन ले लिया तो बाकी बचा वन प्लस साइन का स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे पास आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ आगे कुछ गड़बड़ लग रही है, कहाँ से गड़बड़ है, अच्छा यहाँ, अच्छा ये गलती हुई है, यहाँ ना माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ जब माइनस आएगा ना तो ये ऐसे ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, तो ब्रैकेट आएगी तो फिर ये स्टेप चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से, हाँ यहाँ से, यहाँ से वन का स्क्वायर वन प्लस साइन का स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा, माइनस है ब्रैकेट खोलेंगे लामते चेंज हो जाएंगी, इस माइनस से ये प्लस माइनस हुआ और ये माइनस प्लस हो जाएगा, टू साइन थीटा ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर को मैं बना देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा नीचे जो है। ठीक है, ये वन और वन भी गया और साइन स्क्वायर भी गया, टू साइन थीटा फोर साइन थीटा, और नीचे जो कॉस है मैं उसको दो दफ़ा अगर लिख लूँ क्योंकि जवाब इसी तरह का ना हमारा, तो साइन ओवर कॉस टेन थीटा है और बटे में कॉस हो तो वो सीकेंड थीटा आता है, यही हमारा आंसर है, फोर टेन थीटा और सीकेंड थीटा। ठीक है, देसी एलसीएम नीचे वाली नीचे, ये उधर ये उधर, ये होल स्क्वायर ये भी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस टू ए बी, ब्रैकेट खोलेंगे अंदर लामते चेंज, ये और ये कट गया, वन और वन कटा, टू साइन थीटा फोर साइन थीटा, और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है उसको दो दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, और फिर लहदा लहदा कर लेंगे। ट्वेंटी वन, राइट हैंड जो साइड है मैं साइन कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बच्चे का वन माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन की वन है और ये टू है, टोटल कितना हो जाएगा तीन थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन कॉमन ले लिया, यहाँ वन रह गया,
यहाँ कॉस केयर वन माइनस साइंस कॉस केयर साइंस केयर होता है और ये अलग हो गया। 22 कॉस की 4 थीटा माइनस साइन की 4 थीटा इक्वल टू कॉस केयर थीटा माइनस साइन का स्केयर थीटा। यहाँ मैं क्या करता हूँ, 4 को मैं करता हूँ 2 का होल स्केयर माइनस इस 4 को भी मैं क्या करता हूँ 2 का होल स्केयर। अब ये दोनों स्केयर हो गई, दरमियान में माइनस भी है, एक दफ़ा जमा लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस। तो मैं लिखता हूँ कॉस केयर थीटा प्लस साइन, क्योंकि ब्रैकेट की जो अंदर वाली है ना उसको लिखना होता है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। कॉस केयर थीटा माइनस साइन का स्केयर थीटा इक्वल टू ये ऐसे आ जाएगा, कॉस केयर थीटा जमा साइन स्केयर थीटा 1 होता है, बाकी ये बचा कॉस केयर थीटा माइनस साइन का स्केयर थीटा, ये ऐसे आ जाएगा। तो 1 का कुछ भी नहीं होता, यही जवाब है, कॉस केयर थीटा माइनस साइन का स्केयर थीटा इक्वल टू कॉस का स्केयर थीटा माइनस साइन का, ठीक है। तो ये दोनों साइडें ऐसे हमारी बराबर आ गई। इसके बाद 23 और 24 रह गए हैं, वो थोड़े थोड़े लंबे लग जाते हैं मेरे को। वन प्लस कॉस थीटा ओवर वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा। तो क्या करते हैं, वन प्लस कॉस थीटा ओवर वन माइनस कॉस थीटा, रैशनलाइजेशन यही रकम ऊपर यही नीचे, लामत भी यही रखनी है, जिस रकम से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें वो कटिंग से वही वापस आएगी, ये वाली बराबर, ये जवाब लाना है हमने। ऊपर वन फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर हो जाएगा क्योंकि एक जैसी हैं, और नीचे बिल्कुल एक जैसी हैं तो होल स्केयर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो बराबर वैसे ही, अब वन माइनस कॉस स्केयर क्या होता है, साइन स्केयर थीटा, नीचे वाली वैसे लिख लें वन माइनस कॉस थीटा का होल। अब जजर में ये स्केयर भी काट जाएगा और इसका स्केयर भी काट जाएगा, तो हमारे पास इधर बचेगा साइन थीटा बटा वन माइनस कॉस थीटा, और उधर भी क्या है साइन थीटा बटा वन माइनस कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड डबल राइट हैंड साइड, ठीक है जी। रैशनलाइजेशन की यही रकम ऊपर यही नीचे, ऊपर फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड का, नीचे होल स्केयर बन गया। वन माइनस कॉस स्केयर जो होता है वो साइन स्केयर होता है, दोनों के स्केयर जजर से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सेम काम हमने करना है क्वेश्चन नंबर 24 के साथ, सेकंड थीटा प्लस वन सेकंड थीटा माइनस वन इक्वल टू सेकंड थीटा प्लस वन ओवर टेन थीटा। तो सीकेंट थीटा प्लस वन ओवर सीकेंट थीटा माइनस वन, इसी के साथ मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसी के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो ये ऐसे आता जाएगा। अब ऊपर बिल्कुल सेम है तो ऐसे होल स्केयर हो जाएगा, और नीचे फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर हो जाएगा। इसका स्केयर काट दें तो सेकंड थीटा प्लस वन रह जाएगा ऊपर नीचे। अब ये हमने पढ़ा था सेकंड स्केयर थीटा इक्वल होता है वन प्लस टेन स्केयर थीटा, अगर मैं वन को इधर लेके आऊँ तो वन माइनस इधर आ जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा टेन स्केयर थीटा, यानी सेकंड स्केयर थीटा माइनस वन जो है वो टेन स्केयर थीटा के बराबर भी होता है, बराबर वैसे ही सीकेंट थीटा प्लस वन ये काटेंगे तो टेन थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो ये लें जी,
ये हमारा पूरी होगी मशक, यही ऊपर यही नीचे, ये जवाब के लिहाज से देखना होता है किसको करना है। ऊपर ये होल स्केयर, नीचे फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का, सेकंड स्केयर थीटा माइनस वन टेन स्केयर होता है, दोनों के स्केयर काट के तो जवाब आ गया हमारा। ठीक है जी, अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला है।